हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी कहा जा जहां तक बात है, एग्जाम के पहले बेस थ्योरम को रिवीजन कर लेना, मैंने बना दिया है। बेस थ्योरम से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। रहा अब बात बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और मीन वेरिएंस का, ये एक क्वेश्चन मीन वेरिएंस करना थोड़ा थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि एग्जाम आपका है, आपको खुद भी पढ़ने का बहुत जरूरत है। अपना कोर्स पढ़ते रहिए, मैं 15-20 मिनट में एक एक टॉपिक देते रहूंगा, ये मेरा प्लीज रिवीजन कर लीजिएगा। भगवान करे आ जाए एग्जाम में, भगवान अल्लाह ईश्वर जो भी हो आ जाए एग्जाम में। देखिए, टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग। Also find it, कार्ड के पेक से दो कार्ड निकाला, ध्यान देना विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट अलग होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट अलग होता है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, टू कार्ड निकाला, बात करना है नंबर ऑफ किंग का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं ये निकालिए। टू कार्ड शुरू करूंगा इस तरह से, लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ किंग्स, देन सिंपली बात एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, दो ही ना कार्ड निकाले, या तो एक भी किंग नहीं निकलेगा, मतलब नंबर ऑफ किंग इज जीरो, या तो एक किंग निकलेगा और दो किंग निकलेगा। निकाले हैं दो कार्ड तो दो किंग से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो ये एक्स को सक्सेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन में बात करूंगा उसका। तो एक्स इज सक्सेस या एक्स इज नंबर ऑफ किंग, नंबर ऑफ किंग कितना निकल सकता है दो में से, एक भी नहीं, एक या दो, इन सब का प्रोबेबिलिटी पहले भैया लिख लो। लिखने का तरीका सब आप पहले पढ़ चुके होंगे, मैं सिर्फ रिविजन के तौर पर कर रहा हूं। पी एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब भैया एक भी आपका किंग नहीं निकला, पहला कार्ड जो निकाले वो किंग नहीं था, उसका प्रोबेबिलिटी 48/52, क्योंकि किंग तो 4 होता है, 4 हटा दिया तो बचा रिमेंडिंग कार्ड 48/52। सेकेंड वाला भी किंग नहीं निकला, किंग नहीं निकला तो अब 48, अब रहा यहाँ आपके हाथ में 47, क्योंकि एक कार्ड तो निकल चुका है, उसको रिप्लेस किए नहीं हम लोग, रिप्लेस किए नहीं, तो एक कम 48 में से एक कम हो गया, और 51 में से भी एक कम हो गया। इसको अगर सिंपलीफाई कर रहे इधर काट के, काट उठ के 4 से काट देता हूँ, 12 में ये 13 बार में 12/13 इंटू 47/51, फिर कटेगा 4 से 4, 3 से 3, 4 जा 12, 3 17, अल्टीमेट ये मल्टीप्लाई मैंने करके इधर रख लिया हूं जल्दी जल्दी करने के लिए, 188/221, 4 7 जा 28, 8 carry 2, 4 4 जा 16, 17, 18, 220। एक भी किंग नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी ये पी एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं वन, एक किंग निकलने का, कहने का मतलब पहला वाला किंग तो दूसरा वाला किंग नहीं, 51 एक कम हो जाने से टोटल से एक कम हो जाएगा, प्लस अगर पहला वाला किंग नहीं तो दूसरा वाला किंग, ये रहा प्रोसेस, एक किंग दूसरा नो किंग, या पहला किंग दूसरा नहीं, दूसरा हो तो पहला नहीं, इस तरह से इसका कैलकुलेशन उसी तरह से काट कूट के इसका भी कैलकुलेशन मैंने इधर में करके रखा हूं, 32/221 टाइम से हो जाएगा ये कैंसिल वगैरह करने के लिए। पी एक्स इक्वल टू टू दोनों किंग, 4/52 किंग तो 4 ही होता है, पहला भी किंग दूसरा किंग, एक किंग तो निकल ही चुका तो दूसरा किंग, अब बचा 3, 3/51,
इसका भी कैलकुलेशन 430 से कटेगा, इस तरह से कैलकुलेशन किया हो 1/221। ये हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो की, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू की, ये निकाल लिया हम लोग सेपरेट सेपरेट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो लिखना ऐसे एग्जाम में, मैं स्पेशली बस अभी एग्जाम देना है उसके पहले का रिवीजन, तो ऐसा लिख रहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज, वो क्लास 10 में देता ना मीन मीडियन मोड वाला, वही सब बात। एक्स पी एक्स, एक्स का वैल्यू 0, 1, 2, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दू, एक्स का वैल्यू 0, 0, 0 बार किंग आने का प्रोबेबिलिटी 188/221। 1 बार आने का प्रोबेबिलिटी 1/32/221 और 2 बार आने का प्रोबेबिलिटी है 1/221। ठीक है 32, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और दैट ये सिंगल एक क्वेश्चन भी आया है, मैं ईयर वगैरह अभी और मेंशन नहीं करूं, वो टाइम नहीं है अभी किस ईयर में क्या आया। अब इस ईयर में जो आएगा वो कर रहा हूं, मेरे ख्याल से इस ईयर में आएगा, ये आइडिया से ये इस सोच के कर रहा हूं इसको। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट लिखा था मैंने फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए ऐसे बनाना टेबल क्लास 10 के लगभग। ये एक्स एक्स वाला वो सब वेल्यू को, भैया एक्स आई भी लिखा जाता है, भी वेल्यू है 0, 1, 2, इसको पी एक्स को ही पी आई भी बोला जाता है, जो भी लिखो आप वो कोई बात नहीं, 0 का यही उतार रहा हूं 188/221, 32/221, 1/221। ये पी आई लिख दिए, ये उसी तरह क्लास 10 में जिस तरह करते थे ना एफ एक्स एफ आई एक्स आई, यहाँ पर पी आई एक्स आई, इस तरह का बात सब होता है। तो मीन निकालने के लिए पी आई एक्स आई, ये दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 32/221, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2/221। ये तो मीन के लिए हो गया, ये तो मीन के लिए 32/221 मीन के लिए रहा। वेरिएंस निकालने के लिए भैया आप एक्स आई स्क्वायर निकालना, फॉर्मूला देख लेना, एक्स आई माने इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4। नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करना पी आई एक्स आई स्क्वायर, माने पी आई, पी आई तो हुआ पी आई आपका ये वाला, उसका मल्टीप्लाई एक्स आई स्क्वायर, इसके साथ में ये दोनों मल्टीप्लाई 0, ये दोनों मल्टीप्लाई 32/221 और ये दोनों मल्टीप्लाई 4/221 और बैठिए। अब इन दोनों का पी आई एक्स आई का टोटल एलसीएम 221, ये 34, इन दोनों का एडिशन एलसीएम तो डिनोमिनेटर 221, 32/36/221। कहने का मतलब हम लोग का निकला यहाँ पे समेशन पी आई एक्स आई इक्वल टू, ये समेशन पी आई एक्स आई इक्वल टू 34/221 और समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू 36/221। अभी यहाँ 3 से कैंसिल भी हो सकता है, मत करना क्योंकि एलसीएम में फिर आपको कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए इस तरह रहने दो।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया, मीन के लिए टेबल बनाया, मीन निकल भी चुका है, ये सब बताता हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मीन वेरियंस निकालने के लिए जो टेबल फॉर्मेशन था वो बन चुका है, इसे मिटा के ऊपर लिखता हूं। रहा अब मीन, देयरफॉर मीन इक्वल टू, फॉलो करना मीन को ही भैया एक्स बार लिखता है, मीन और एक्स बार या और इसको ही ई एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ये मीन मतलब ये समेशन पी आई एक्स आई का आंसर हुआ 34/221, ये आपका मीन का आंसर। वेरिएंस, वेरिएंस को वी ए आर ऐसा भी लिखा जाता है, फॉर्मूला इसका समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, पी आई एक्स आई स्क्वायर आया था आपका 36/221 माइनस इसका होल स्क्वायर 34/221 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेना 221 इंटू होल स्क्वायर है तो 221, यहां आएगा 36/221 माइनस 34 का स्क्वायर। ये माइनस वगैरह जो करना ये भैया आप कर लेना, इतना टाइम मत दो। वेरियंस ये निकल गया कैलकुलेशन करके, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो रूट ओवर वेरियंस निकालना। अगर किसी क्वेश्चन में देता है ये सब क्वेश्चन लिख दिया फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो भी आपको पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि उतना करने के बाद ही आप वेरियंस ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाओगे। स्टैंडर्ड डेविएशन माने वेरियंस का रूट ओवर, माने वेरियंस का ये जो भी कैलकुलेशन हुआ था मैंने नहीं किया, अभी टाइम बर्बाद होगा, आप इतना खुद कर लेना। माइनस 34 का होल स्क्वायर जो होता है 221 इंटू 221, ये आपका कॉम्प्लीट आंसर। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन दे सकता है, यही देगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन से वेरिएंस से एक क्वेश्चन दे सकता है। और भी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है बस एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन करके मैं आपको ये वीडियो देते रहूंगा, 15-10 मिनट का वीडियो सब। प्लीज देखना और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने जूनियर को जरूर बोलना प्लीज मेरे भी चैनल से जुड़े, मैं अपने तरफ से फुल हेल्प करूंगा। पॉलीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन टच कर लेता हूं एग्जाम के पहले पहले, बस टॉपिक सब ये क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चन मस्ट आएगा, प्लीज विश्वास कीजिए मुझे। A 6 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting 3 head, no head, at least 1 head. ठीक है, बात करता हूँ धीरे धीरे। जब head tail का बात आता है तो मैं इस तरह से समझाऊ, फॉर वन coin ऐसा लिख लिया मैंने एग्जाम में, कौन किस तरह से लिखता है जो भी हो, फॉर वन coin probability of head या फॉर वन कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू भी 1/2। और एक बात यहां मेंशन किया जाता है, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस का मीनिंग है यहां गेटिंग हेड, हेड नहीं लेके एक्स से डिनोट करते हैं, गेटिंग हेड को ही बोलता है सक्सेस। क्वेश्चन में जिस चीज को पाने के बारे में बात किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, वो दिस इज हेड या सक्सेस। लूडो का गोटी में डाइस में सिक्स आना को अगर बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ टू नंबर इज 10, तो वो पाने को ही उसका नाम सक्सेस बोला जाता है, उसे ही एक्स से डिनोट करते हैं। तो इसलिए एक्स भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट एक्स बी डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस, माने एक्स इक्वल टू 1 माने एक बार हेड, एक्स इक्वल टू 2 माने दो बार हेड, इस तरह का बात है। अच्छा,
कॉइन टॉस किया आपका सिक्स कॉइन्स और टॉस सिक्स कॉइन टॉस किया, एक कॉइन को सिक्स बार टॉस करे या सिक्स कॉइन को एक ही बात है, सिक्स बार टॉस हुआ है उसको कितना बार, सिक्स बार, उसको एन नाम देना, एन इक्वल टू सिक्स। पी पी माने सक्सेस, ये एक्स पी पी सक्सेस, गेटिंग सक्सेस, इसको पी बोलते हैं। यहाँ पी का मीनिंग है गेटिंग हेड, पी माने गेटिंग हेड, और पी का जस्ट ऑपोजिट क्यू, नॉट गेटिंग माने हेड, नॉट गेटिंग माने टेल गेटिंग, उसका प्रोबेबिलिटी हाफ। ये सब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉमन टर्म सब है, इतना लिखिए। क्वेश्चन है, अब देखिए बिल्कुल आसान है, इससे मार्क्स आपको श्योर 10 मार्क्स मिलना चाहिए, मेरा ये दुआ है। और क्या बोलू, थ्री हेड आने को चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड नहीं लिख के लिखा जाता है एक्स इक्वल टू थ्री, तीन बार सक्सेस चाहिए। कितना बार कॉइन टॉस किया, सिक्स बार, भाई सिक्स बार में तीन बार हेड चाहिए, सिक्स बार में से तीन बार हेड चाहिए, मीनिंग इस तरह का है। सिक्स बार किया तो एक पहला शुरू, सिक्स बार में पहला बार में हेड आ सकता है, नहीं तो पहला में टेल आया दूसरा में हेड आ सकता है, तो किस नंबर में हेड आया वो अगर अलग अलग अगर लिखू तो बहुत कंफ्यूजन होने का चांस हो सकता है, इसलिए बोला एक्स इक्वल टू थ्री, मैंने सिक्स में से तीन बार आना चाहिए क्या सक्सेस, तीन बार टोटल सिक्स है, तीन बार सक्सेस और तीन बार नहीं आना चाहिए सक्सेस। 63 अगर भूल गए हो तरीका लिखने का, इसको लिखना नीचे थ्री है तो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल थ्री और न्यूमेरेटर में तीन फैक्टर का मीनिंग है मेरा कहने का 654, सिक्स से लेके ऐसे एक एक कम करके फोर, पी का पावर क्यूब माने हाफ का पावर क्यूब फिर हाफ का पावर क्यूब, ये हो गया एक नंबर का आप आंसर। इसको कैंसिल कर दीजिएगा जैसा जैसा कैंसिल हो, या मैं कर दूं क्या इसको, ये 3 2 6 6 कैंसिल जाता है, या पूरा डिटेल ही कर देता हूँ, 6 × 5 × 4/3 फैक्टोरियल 3 माने 3 × 2 × 1/8 × 1/8 ये 6 6 कैंसिल, 4 2 8 आया कितना ऊपर है 5 नीचे 16, ये एक नंबर का आंसर आपका आया 16, एक नंबर का 1/5/16। रहा दूसरा बात, बहुत आसान है, थोड़ा इजीली लास्ट में देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया नो हेड कहने का मतलब पी एक्स इक्वल टू जीरो, एक भी हेड नहीं चाहिए का मतलब है सभी टेल चाहिए, नो हेड ऑल द टेल सीधा बात, तो सिक्स में से नो हेड ओके, हेड नहीं टेल चाहिए आपको कितना, तो सिक्स बार सिक्स सी जीरो तो वन हो जाता है, पी का पावर ये वन हुआ, अल्टीमेट क्यू का पावर 1/2 का पावर सिक्स, पावर सिक्स इक्वल टू 1/6 के 2 का पावर सिक्स, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64 ये 64 थर्ड नंबर भैया, पी एक्स इक्वल टू नहीं, एटलीस्ट वन हेड कम से कम एक हेड, एक या एक से ज्यादा हेड, एक हेड हो या एक से ज्यादा हेड हो मतलब टेल नहीं हो, एक हेड हो सभी टेल नहीं हो। अरे सिंपल बात, ऐसा निकाल दो ना भाई, 1 - ऑल टेल ये ऐसा लिख देता हूँ, ऑल टेल में अपने भाषा से लिखा हूँ ऑल टेल, यानी 1 - ऑल टेल कहने का क्या मतलब है,
ऑल टेन मतलब फिर सिक्स में से ऑल टेन मतलब वन बाय टू का पावर सिक्स मैंने वन बाई वन माइनस सिक्सटी फोर ये सिक्सटी थ्री बाई सिक्सटी फोर। इस तरह से ये सब क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर और एक इसका दिखा रहा हूं।